गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि मैं हम लोग जब कभी देखते हैं कि कोई आदमी बहुत धार्मिक है, बहुत व्रत उपवासी है, तो ये मन अनायास मान लेता है कि ये आदमी सही होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा अपने आप आ जाती है कि इसके और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की जाती है। लेकिन जब कभी करीब से उनसे जुड़ जाते हैं और ऐसा पाते हैं कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा उनका आचरण या वो चीज़ नहीं है, तो मन थोड़ा व्यथित हो जाता है। तो ऐसे में गुरुवर क्या करना चाहिए कि मतलब आदमी को कैसे समझें कि कौन सही है और कौन? देखिए, दो दृष्टियाँ। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति के प्रति केवल ऊपर के आचरण और व्यवहार को देखकर कोई धारणा बनाना ठीक नहीं। ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, केवल व्रति अव्रति की बात नहीं। अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ दिखती है, आप आकर्षित होइए, पर थोड़ा टटोलते भी रहिए। टटोल कर देखिए कि ये केवल एक ऊपर का रूप है या भीतर भी है। थोड़ी बारीकी से ऐसे व्यक्ति को नोटिस करने पर चीज़ें मिलने लगती है और भेद खुलने लगता है। फिर आप भरोसा बढ़ाइए, जगाइए, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। कई बार लोग लालचवश, रागवश, मोहवश ऐसे, और कई लोग अंधविश्वासवश ऐसे बातों का शिकार बन जाते हैं, जिससे उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं उठ खड़ी होती। दूसरा जो आपका मूल प्रश्न है, किसी त्यागी व्रति व्यक्ति के व्रत उपवास से आकर्षित होकर हमने उसके प्रति श्रद्धा का भाव जगाए, पर निकट से आने के देखने के बाद वो व्यक्ति सही नहीं दिखता, तो उसे हम क्या देखें? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्बलताएं मनुष्य के स्वभाव हर व्यक्ति के अंदर है। जिस व्यक्ति ने व्रत संयम लिया, वो व्रत संयम लेने से पहले कैसा था? आज तक आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आपका तो शायद नहीं होगा, मैं मान के चलता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति व्यसनी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, गुस्सैल हो, लालची हो, और उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने व्रत अंगीकार कर लिया, व्रती बन गया। व्रती बनते ही उसकी प्रवृत्तियां तो बदल गई, दिनचर्या में बदलाव आ गया, पर क्या वृत्ति एक दिन में बदल जाएगी? बोलो, मूल कैरेक्टर नहीं बदल पाएगा, वो तो नहीं बदलेगा ना। तो वृत्ति बदलने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे, ये तो व्रति बनकर ऐसा कर रहा है, ये हमारी नकारात्मकता है। व्रति बने हैं अपने आप को सुधारने के लिए, व्रति बनते हुए नहीं सुधरेंगे, समझ गए? एक आदमी ने कहा, एक मुनि महाराज के पास गया, मुनि महाराज थोड़े गुस्सैल थे, तो उनका क्रोधाविष्ट रूप देखा तो मुनि मात्र से घबराने लगा। मेरे पास आया, उसके पिताजी लेकर आए, बचपन से जुड़ा हुआ था, बोले महाराज जी बड़ा गुस्सा करते हैं। बोले सुनो भैया, महाराज जी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने वाले महाराज बन सकते हैं। मुनि महाराज गुस्सैल नहीं होते, पर गुस्सैल आदमी तो मुनि महाराज बन सकते हैं। बोलो, आज मैं कोई मुनि, मान लो मेरी दीक्षा आज हुई, तो दीक्षा लेते ही मैं कल जो था वो तो उससे एकदम चेंज तो नहीं होगा ना। मेरे स्वभाव में, मेरी प्रवृत्ति में बदलाव आने में समय लगेगा कि नहीं? पर चूंकि मेरा ये वेश, मेरी ये मुद्रा जगत पूज्य है, इसलिए आम जन की मुझसे अपेक्षा है कि मैं सौम्य मूर्ति बन के रहूं। और ये आस्था ही ऐसी है कि एक साधु को लोग सादगी और साधुता की मूर्ति के रूप में देखते हैं, उसके अगेंस्ट समाज उसको नहीं पचा पाती, तो रिएक्शन नेगेटिव होता है। लेकिन यदि आपकी सोच व्यापक होगी, तो भारत में दुर्वासा जैसे ऋषियों को भी स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया है, दिया गया ना। तो मनोज जी, मैं यही कहूंगा,
थोड़ा उनके प्रति सकारात्मक हो जाओ और ये सोचो कम से कम प्रवृत्ति तो अच्छी है, दुनिया में तो प्रवृत्ति भी खराब है, मनोवृत्ति भी धीरे धीरे बदलेगी, इनका जीवन परिवर्तित होगा दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद व्रती बनो तो अरे मैंने तो व्रती जीवन अंगीकार कर लिया मुझे बदलना है, पर सामने वाला यदि है तो उसके प्रति आपको थोड़ा सकारात्मक बनना होगा और यही सकारात्मकता आपको सही बना पाएगी। नहीं तो ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, कई बार घृणा और नफरत का भी भाव होता है, ये भी एक कमी है, इससे बचना चाहिए। और पहली बात जो मैंने कही, कोई भी व्यक्ति हो, आँख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो, आँख खोल कर चलोगे कभी धोखा नहीं खाओ। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते।